एक बार हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पशु पक्षी संबंधित दवाओं के बारे में जानकारी व काम कैसे करता हूँ उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी के साथ हम लेकर आए आज के सामने, आज आपके सामने लेकर आए क्या, एक्साइडॉक्सी। ये क्या क्या है? ऑक्सीटेट्राफाइगिन हाइड्रोक्लोराइड का बोलफ है। और इस बोलफ का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, इसकी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इसी के साथ हमें डॉक्टर अमित माझी बैकपुर कर्मचारी और माई चैनल माझी वेटनरी। फिलहाल आज हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं, एफआईडॉक्सी, जिसमें ऑक्सी टेट्राफाइगिन हाइड्रोक्लोराइड प्रत्येक बोलफ में पाया जाता है। ऑक्सी टेट्राफाइगिन हाइड्रोक्लोराइड प्रत्येक बोलफ में कितना, 5 mg। और ऑक्सी टेट्राफाइगिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? ऑक्सी टेट्राफाइगिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इफेक्ट 2 gram positive एंड ग्राम निगेटिव एरोबिक एनोरोबिक बैक्टीरिया, अर्थात यह ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एरोबिक एनोरोबिक सभी प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करता है। और जहाँ तक संभव है या सबसे पुरानी, बहुत ही पुरानी एंटीबायोटिक है। सबसे पुरानी एंटीबायोटिक क्या है? ऑक्सी टेट्राफाइगिन हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन ये नाम नया है, नई कंपनी बनाया है इसलिए, लेकिन फार्मूला बहुत पुराना है। तो इसका हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसको हम सभी प्रकार के रोगों में देते हैं क्योंकि यह सभी प्रकार के बैक्टीरिया पर काम करता है। लेकिन अगर रोग बहुत गंभीर अवस्था में है तो नहीं देते हैं। फिर हाल डबल एंटीबायोटिक के रूप में जहाँ प्रयोग करते हैं, या जैसे गला घोटू फटा हुआ, इन सब में भी हम इसको देते हैं क्योंकि इलाज के समय हम बहुत बड़े बड़े एंटीबायोटिक लगाने के बावजूद भी इसका, इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, इसके इंजेक्शन का यूज करते हैं। जहाँ पर इंजेक्शन का यूज ना कर पाए वहाँ पर हम बड़े पशु को 2 bolus सुबह, 2 bolus शाम, या लक्षण के अनुसार 24 घंटा में एक बार 2 bolus हम दे सकते हैं, 24 घंटे में एक बार 2 bolus दे सकते हैं। और अगर कोई बीमारी नॉर्मल अवस्था में तो हाई एंटीबायोटिक जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसके इंजेक्शन या इसके बोलफ से आप काम चला सकते हैं। और इसका यूज खिलाने के अलावा आप एक जगह इसका प्रयोग और कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस ने बच्चा दिया, जेल फंस गया हो, निकालने के बाद इसका 2 bolus आप यूट्रस में रख दीजिए, वहाँ का इन्फेक्शन भी दूर करता है। या मुंह में छाले पड़ गए हों, वहाँ पर भी अच्छा तरीके से काम करता है। इस टेबलेट को, इस बोलफ को पीस कर जानवर के जीभ पर रगड़ दीजिए, इससे जानवर के शरीर के जीभ के छाले खत्म हो जाएंगे। तो यह सभी प्रकार के रोगों पर काम करता है, छाले पर काम करता है, या ब्रॉड स्पेक्ट एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एरोबिक एनोरोबिक सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है। इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं और किसी दवा के साथ जल्दी रिएक्शन भी नहीं करता है। इसको हम डबल एंटीबायोटिक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे एमॉक्सिफ्लिन, क्लॉक्साफ्लिन हुआ, या टाइजोबैक्टम हुआ, जहाँ दे रहे हैं वहाँ इसको भी हम देते हैं और कहीं पर कोई नुकसान नहीं करता। तो रही ना काम की बात, हर बीमारी देते हैं, हर एंटीबायोटिक फॉर डबल एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर सकते हैं और सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारता भी है। बच्चे दाने भी यूज करते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन पशुपालक भाई कोई भी दवा अपने मन से यूज ना करें बगैर पशु चिकित्सक की सलाह से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ऑफ करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।